Hello everyone, in this video lecture of digital electronics or digital system design, I am going to discuss a question of sequential circuit designing. I have taken this question from the AQTube paper 2020-21. So start karte hain question. The question is design a sequential circuit with two flip flops A and B and the input X. One input is there, that is X. And when x is equal to 0, the state of the circuit remain the same. Kya hai? Circuit kya rahegi? Same. When x is equal to 1, the circuit passes through the state transition from 00 to 01, 10 to 11, 11 to 10 and back to 00 and repeat. So, start karte hain solving this question. So, sabse pehle hum draw karte hain isme state diagram. How many states are there? 1, 2, 3, 4. 00. Then 01, then 11, then 10. These are the four states. Okay. Now, according to the question, when input x is equal to 0, state of the circuit remain the same. Means ki ye kahan jayega wapas? 0 par. Okay. Agar 01 par hai, humne input apply kiya 0, to same state. 11 par hai, 0 apply kiya, ye wapas 11 par aayega. 10 par hai, 0 apply kiya, wapas 10 पर आएगा. ठीक, ये जो मैंने इस पे जीरो एरोस पे वैल्यूज शो कर रखी हैं, दीज आर द इनपुट्स. नाउ इफ x इज इक्वल टू 1, द सर्किट पासेस थ्रू द स्टेट ट्रांजिशन फ्रॉम 00 टू 01. इफ प्रेजेंट स्टेट वाज 00, इनपुट अप्लाई किया हमने 1, तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेट? 01. इफ प्रेजेंट स्टेट इज 01, इनपुट अप्लाई किया 1, तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 11. इफ प्रेजेंट स्टेट इज 11, इनपुट अप्लाई किया 1, तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 10. इफ प्रेजेंट स्टेट इज 10, इनपुट अप्लाई किया 1, तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 00. तो दिस इज द स्टेट डायग्राम. नाउ अब हम इसके बेसिस पे ड्रॉ करेंगे इसकी स्टेट टेबल. नाउ आई एम गोइंग टू राइट द स्टेट टेबल फॉर दिस डायग्राम. स्टेट टेबल में सबसे पहले क्या होगा? प्रेजेंट स्टेट, ठीक है, देन इनपुट, देन नेक्स्ट स्टेट, देन इनपुट्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, इन दिस क्वेश्चन कहीं भी मेंशन नहीं है कि हमें कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करना है, तो मैं सबसे इजिएस्ट पिक करती हूँ डी फ्लिप फ्लॉप. यू कैन चूज डी, टी, जे, के, एस, आर, एनी फ्लिप फ्लॉप. प्रेजेंट स्टेट, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप्स क्या है? ए एंड बी. तो प्रेजेंट स्टेट क्या होगी? क्यू ए एंड क्यू बी. इनपुट क्या है? एक्स. तो यहाँ क्या होगा? ये एक्स. नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? क्यू ए प्लस वन, क्यू बी प्लस वन. एंड इनपुट्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या होंगे? डी ए एंड डी बी. ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इसकी चारों स्टेट्स लिख लेते हैं. एवरी स्टेट की टू कंडीशंस होंगी, तो मैं पार्टीशन कर देती हूँ. 00 पर इफ एक्स इज इक्वल टू 0, इफ एक्स इज इक्वल टू 1. 01 01, इफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1. ठीक है, नेक्स्ट 10, इफ इनपुट इज 0, इफ इनपुट इज 1. टू केसेस. नाउ नेक्स्ट इज 11, इफ इनपुट इज 0, 11, इनपुट इज 1. नाउ अब हम अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, 00 इनपुट 0 है, तो इट विल बी एट सेम स्टेट. मींस कि 00, 00 पर इनपुट हमने 1 दिया, तो नेक्स्ट स्टेट इज 01. ठीक, 0 पर सबके स्टेट सेम होंगे, तो हम सेम ही लिख देते हैं. 01 10 11. ठीक, 01 इफ प्रेजेंट स्टेट इज 01, इनपुट अप्लाई किया 1, तो नेक्स्ट स्टेट इज 11. ठीक है, सॉरी, इफ प्रेजेंट स्टेट इज 10, इनपुट अप्लाई किया 1, तो नेक्स्ट स्टेट इज 00. ठीक, 11 पर है, 1 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट इज 10. ठीक है, ये डन हो गया. नाउ डी ए, तो वी ऑल नो कि इन केस ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू डी इनपुट. ठीक है, तो क्यू ए प्लस 1 की वैल्यू जो होगी वही डी ए की होगी, क्यू बी प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो डी बी की होगी. और यू कंपेयर विद द एक्साइटेशन टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप विच इज क्यू एन, क्यू एन प्लस 1 डी. 00 डी विल बी 0, 01 डी विल बी 1, 10 डी विल बी 0, 11 डी विल बी 1. तो सेम वही होगी जो हमारी क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू है, वही डी की. तो हम यहाँ पर सेम लिख देते हैं, कॉपी कर देते हैं. तो क्यू ए प्लस 1 को हमने कॉपी किया एट डी ए, तो ये क्या होगा? 0 0 0 1 1 0 1 1. ठीक, फॉर दिस क्यू बी प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? डी बी की. तो यहाँ क्या होगा? 0 1 1 1 0 0 1 0. ठीक, इक्वेशन क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंगली? फॉर डी ए इज इक्वल टू समीशन एन. ठीक है, अब इनके अगर हम कॉम्बिनेशन देखें, कहाँ पर 1 है?
दिस वन इज़ वन 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 वन, ठीक है. तो ज़ीरो वन वन मीन्स थ्री, नेक्स्ट इज़ वन डबल ज़ीरो मीन्स फोर, नेक्स्ट इज़ वन वन ज़ीरो मीन्स सिक्स, लास्ट इज़ ट्रिपल वन मीन्स सेवन. नाउ फॉर डी बी, डी बी के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस वन, ठीक है, समीशन एम वन, ठीक. नेक्स्ट है ज़ीरो वन ज़ीरो मीन्स टू, नेक्स्ट है ज़ीरो वन वन मीन्स थ्री, लास्ट है वन वन ज़ीरो मीन्स सिक्स, ठीक. नाउ अब हम ड्रॉ करते हैं इसके लिए के मैप. के मैप हमारा वन टू थ्री, थ्री वेरिएबल के मैप होगा. ठीक. नाउ आई हैव टेकन दिस टू के मैप, वैल्यूज को पुट करते हैं. नाउ अब हम के मैप देखते हैं. फर्स्ट के मैप फॉर डी ए, डी ए में क्या है, थ्री फोर सिक्स सेवन, थ्री फोर सिक्स सेवन. नाउ अब हम इनकी पेयरिंग करते हैं. अगर हमने पेयरिंग की, फर्स्ट पेयर एंड सेकेंड पेयर हमारा बैक टू बैक, ठीक है. वॉट इज़ द वैल्यू, वैल्यू क्या आ जाएगी, डी ए इज इक्वल टू फ्रॉम दिस पेयर क्यू बी एक्स प्लस फ्रॉम दिस पेयर रो से आएगा क्यू ए, कॉलम से क्या आएगा, फ्रॉम दिस टू कॉलम्स एक्स बार इज कॉमन, ठीक. नाउ फॉर डी बी वन टू थ्री सिक्स, ठीक. नाउ कॉम्बिनेशन, फर्स्ट दिस पेयर रो से क्या मिला हमें, क्यू ए बार, कॉलम से क्या मिला एक्स प्लस, नेक्स्ट वन मोर पेयर दिस वन, फॉर दिस पेयर हो जाएगा क्यू बी एक्स बार, ठीक है. दीज आर द इक्वेशन ऑफ बोथ इनपुट्स. नाउ अब हम इसका करते हैं डायग्राम ड्रॉ. सबसे पहले इसमें हमारे पास टू फ्लिप फ्लॉप्स हैं. ये हमारा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, सेकंड फ्लिप फ्लॉप, दोनों डी हैं. तो डी ए क्यू ए, डी बी क्यू बी, क्लॉक विल बी सेम, पॉजिटिव क्लॉक पल्स अप्लाई, ये हो गई क्लॉक, ठीक है. नाउ क्यू ए इज इक्वल टू, सॉरी, नाउ डी ए इज इक्वल टू क्यू बी एक्स प्लस क्यू ए एक्स बार, मीन्स कि टू एंड गेट्स, वन टू, देन प्लस किया कैसे, और गेट से, एंड आउटपुट ऑफ और गेट कनेक्टेड विद डी ए, ठीक. क्यू बी एक्स मीन्स कि दिस इज क्यू बी, ये है क्यू ए, क्यू बी एक्स एंड क्यू ए एक्स बार. तो क्यू ए को अगर हम कनेक्ट करते हैं, क्यू ए, क्यू बी को अगर हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है. नाउ एक्स है यहां पर, तो हम एक्स को ले लेते हैं, एक इनपुट एक्स, ये सपोज हमारा इनपुट एक्स है, एक्स हमारा क्यू बी एक्स के साथ है, दिस इज क्यू बी, ये हमारी क्यू बी की वायर है और ये हमारा क्यू ए, ठीक है. तो एक्स हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा विद दिस क्यू ए एक्स बार, मीन्स कि इसके साथ यहाँ पर नॉट गेट और कनेक्टेड, डन, ठीक. नाउ ये तो फर्स्ट हो गया. नेक्स्ट के लिए क्या है, क्यू ए बार एक्स एंड क्यू बी एक्स बार, मीन्स कि अगेन टू एंड गेट, आउटपुट ऑफ एंड गेट अप्लाई की हमने इनपुट ऑफ और गेट, ठीक है, ये वर्क करेगी एज अ इनपुट फॉर डी बी, डन. नाउ इसके लिए क्या है, क्यू ए बार एक्स, क्यू ए बार मीन्स कि दिस इज क्यू ए बार, ये लिया और हमने यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है. नाउ इसके साथ क्या है, एक्स मीन्स कि इसको लिया और यहाँ अप्लाई किया. नेक्स्ट क्या है, क्यू बी एक्स बार, क्यू बी एक्स बार, इफ़ यू रिमेंबर दिस इज द वायर फॉर क्यू बी, तो हमने इसको लिया, ठीक है, और यहाँ अप्लाई किया, ठीक. एक्स बार है तो आइदर यू कैन कनेक्ट दिस एक्स बार, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, नॉट गेट को दिया और अप्लाई कर दिया, ठीक है. तो डन, आउटपुट्स यहाँ पे हम शो कर देते हैं, ये हमारी होगी क्यू ए एंड ये होगी हमारा क्यू बी, ठीक है. तो दिस इज द लॉजिक डायग्राम. थैंक यू सो मच. स्टिल यू हैव एनी डाउट, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.